जी। हेलो, मेरा नाम आमिर मिर्जा है और मैं पैसे से फार्मेसिस्ट हूँ। बस गलती से इसको हुआ था, जब से लिखना शुरू किया हूँ तो पहले मैं जिन्हें अपना गुरु मानता हूँ तहजीब हाफिज साहब, उनकी दो लाइन लिख के सुना के उसके बाद फिर मैं अपनी सुनाता हूँ। इजाज़त है सुनाऊँ? कैसे कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छिप कर बदला, कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छिप कर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। अब मैं अपनी लिखी सुनाता हूँ कि एक खुददारी वाला शेर सुनिएगा कि नफ़रतों पे दिखाया उसे यकीन करके, नफ़रतों पे दिखाया उसे यकीन करके, बातें बस उससे दो तीन करके, और उसे बहुत गुरूर था अपने आप पे, मैंने भी छोड़ दिया मैसेज उसका सीन करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इंतज़ाम कर दोगी मेरे जहर का, अगर इंतज़ाम कर दोगी मेरे जहर का, फिर भी मैं नाम लूँगा तेरे शहर का, और शाम को तो मरना ही है मुझे, वक्त दे दो ज़रा अपना दोपहर का। कभी फूल बरसते थे तेरी बातों से, कभी फूल बरसते थे तेरी बातों से, जहर पीना है मुझे तेरे हाथों से, और शादी का कार्ड लेकर क्या करूँगा, शादी का कार्ड लेकर क्या करूँगा, मुझे क्या लेना देना बारातों से। और सुनाता हूँ कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके लिए पढ़ते हैं कि कोई रेस्ट इन पीस बोलता है, कोई ओम शांति ओम बोलता है, तो हम लोग के में है कि एक दुआ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस पर मैंने क्या लिखा था सुनिएगा कि अब है मेरे दिल का यही आखिरी सुकून, अब है मेरे दिल का यही आखिरी सुकून, कोई आहिस्ता से आंखों पे हाथ फेरे और पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अपनी हर कहानी में वफा लिखूंगा, मैं अपनी हर कहानी में वफा लिखूंगा, जहाँ जहाँ तेरा जिक्र होगा वहाँ बेवफा लिखूंगा। और सुनाता हूँ कि हिजर की रात, हिजर यानी जुदाई होता है, हिजर की रात इस कदर सता रही है, हिजर की रात इस कदर सता रही है, तेरी तस्वीर से सिगरेट जलाई फिर भी तू याद आ रही है। और है कि सिगरेट के धुओं में दिखती है तस्वीर तुम्हारी, सिगरेट के धुओं में दिखती है तस्वीर तुम्हारी, अब उम्र गुजर जाएगी पीते पीते हमारी। और सुना हूँ रकीब के नाम की मेहंदी लगाती है, सुना हूँ रकीब के नाम की मेहंदी लगाती है, वो जो कहती थी बिछड़ूंगी तुमसे तो नब्ज काट लूंगी। और वो मेरा कॉल देखकर हर बार फोन चूमने वाली लड़की, वो मेरा कॉल देखकर हर बार फोन चूमने वाली लड़की, सुना हूँ रकीब की डीपी लगाती है आजकल। और है कि दरे हकीम से हर एक को दवा मिलती है, दरे हकीम से हर एक को दवा मिलती है, इश्क वाला आए तो उसे दुआ मिलती है, और हमें ज़रूरत नहीं है दवाओं की, हम आशिकों को तोहफे में बद्दुआ मिलती है। और है कि उसकी बेवफाई पे भी चुप रहा हूँ मैं, फिर भी उसे लगता है कि बेवफा हूँ मैं, उसकी बेवफाई पे भी चुप रहा हूँ मैं, फिर भी उसे लगता है कि बेवफा हूँ मैं, वो आजकल रकीब के साथ दिख रही है, इसका मतलब समझ रहा हूँ मैं। और मैं उसको भूलने की सोच ही रहा था, मैं उसको भूलने की सोच ही रहा था, मगर मुझसे तो उसका आखिरी खत भी नहीं जलाया गया। और है कि दोनों जहाँ का कीमती सामान इश्क है, दोनों जहाँ का कीमती सामान इश्क है, सच कहूँ तो ईमान इश्क है, और इंसानियत का हाल तो मुझको पता नहीं, पर बेजुबां परिंदों का ऐलान इश्क है। और जब गुजरा हिजर के मकाम से तो पता लगा, वरना यूं लग रहा था आसान इश्क है। कि मैं भाई यार अच्छी नहीं लग रही क्या यार? कि मैं बीमारे मोहब्बत हूँ मुझे गर्ज क्या हकीमों से, मैं बीमारे मोहब्बत हूँ मुझे गर्ज क्या हकीमों से, अगर मेरी सिफा चाहते हो तो मेरा महबूब ले आओ। और एक खुददारी वाले से देखिएगा कि महबूब को अपनी हर कहानी में मजबूर बता रहा था, महबूब को अपनी हर कहानी में मजबूर बता रहा था,
महफिल में मैं किससे अपनी मोहब्बत के सुना रहा था, लिखकर खुद का नाम बेवफा उसकी बेवफाई छुपा रहा था, महफिल में बैठा सवर उसका सुनकर नज्म मेरी ताली बजा रहा था। और इश्क में डूबी कोई गजल पसंद नहीं इन्हें, इश्क में डूबी कोई गजल पसंद नहीं इन्हें, बेवफाई की हर शायरी पे वाह करते हैं। अब एक आखिरी शेर सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि एक सबके लिए है, जो जो शायर है उनके लिए शायरी है कि हादसे इंसान संग मस्करी करने लगे, हादसे इंसान संग मस्करी करने लगे, लफ्ज कागजों के संग जादूगरी करने लगे, अमिली जिनको मोहब्बत उनके तो घर बस गए, टूट गए दिल जिनके वो शायरी करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।